जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर मजार का विवाद। हिंदू बोले औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मुस्लिम बोले यहाँ हमारे बुजुर्ग दफन है। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में एक पुराना चबूतरा है और उसके ऊपर मजार बनी है। चबूतरे पर उगी घास और आसपास की झाड़ियां बताती है कि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन चबूतरे के पास हर वक्त दो पुलिस वाले तैनात रहते हैं। गांव में रहने वाले हिंदू चबूतरे को बांके बिहारी मंदिर का अवशेष मानते हैं, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के राज में तोड़ दिया गया था। वहीं मुस्लिम इस जगह को अपना कब्रिस्तान बताते हैं। 3 साल से चल रहा ये विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। जमीन का सच क्या है ये जानने के लिए 17 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने छाता तहसील की एसडीएम श्वेता सिंह को समन जारी किया था। 5 सितंबर को केस की अगली सुनवाई है, जिसमें एसडीएम जमीन से जुड़ी जानकारी साझा करेगी। छाता तहसील में आने वाला शाहपुर गांव यूपी और हरियाणा बॉर्डर के पास है। गांव की आबादी करीब 6000 है, जिसमें आधे मुस्लिम है। मंदिर मजार का विवाद समझने के लिए हम सबसे पहले राम अवतार गुर्जर के घर पहुंचे। राम अवतार गुर्जर की याचिका पर ही हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। बातचीत शुरू करते ही लंबी रौबेली मूंछों वाले राम अवतार जमीन और केस से जुड़े कागज निकालने लगे। वे कहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर को हथियाने के लिए 70 साल से साजिश चल रही है। इसके लिए कागजों में हेर फेर किया गया। राम अवतार की चौपाल में बैठे गांव के बुजुर्ग भी उनकी हां में हां मिलाने लगे। एक बुजुर्ग धर्मवीर सिंह चौहान बताते हैं कि गांव में पहले सिर्फ हिंदू रहते थे, बाद में हरियाणा के मेवात से मुसलमान आकर बस गए, तभी से उनकी आबादी बढ़ती गई और हिंदू कम होते गए। नजर डालते हैं एक और खबर पर। नू हिंसा के बाद 300 अरेस्ट, इनमें 98% है मुस्लिम। 354 लोगों के घर दुकान तोड़े, इनमें 80% मुस्लिम। कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना, शाम के 4 बजे थे। मेरे किराएदार जुबेर का कॉल आया, वो बोला कि हमारी दुकानों के सामने पुलिस फोर्स लगी, बुलडोजर खड़े हैं, शायद अधिकारी दुकान तोड़ने आ रहे हैं। मैंने जमीन के कागज लिए और भाई के साथ भागता हुआ पहुंचा, बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं इन दुकानों का मालिक हूँ, बिना एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर से मिले दुकानें नहीं तोड़ने दूंगा। मैं चिल्लाता रहा, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और अपनी बस में बिठा दिया। 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन के कुल 1208 घरों, पक्की और कच्ची दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। कहा गया है कि कार्रवाई दंगों में शामिल होने की वजह से की गई है। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक बुलडोजर चलता रहा। पहले दिन जिनकी दुकानें टूटी उनमें अब्दुल रसीद उर्फ नवाब भी है। नू मेडिकल कॉलेज के सामने उनकी जमीन पर 20 दुकानें बनी थी। नवाब कहते हैं दुकानें टूटने से मुझे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 7 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी। तब तक 354 लोगों के पक्के घर या दुकानें टूट चुकी थी, इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदू है। छानबीन में हमें 5 बातें पता चली है। नू हिंसा के बाद प्रशासन ने 1208 घर और दुकानें तोड़ी है, कई जगह नोटिस भी नहीं दिए गए। 443 मकान डहाए गए, इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदुओं के हैं। ये कार्रवाई कब्जे के आरोप में की गई है। तोड़े गए 2 घर प्रियदर्शनी योजना में मिले थे, कुछ घर कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़े गए। लोगों का कहना है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया। हिंसा के मामलों में 61 FIR दर्ज है, 300 लोग गिरफ्तार किए गए, इनमें 294 मुस्लिम और सिर्फ 6 हिंदू हैं। हिंदुओं में सभी 6 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। शरद पवार किस तरफ, इंडिया में कंफ्यूजन।
पवार जरूरी लेकिन भतीजे अजीत से मुलाकातों ने बढ़ाया शक। हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती लेकिन मकसद एक है, लोकतंत्र को बचाना। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे जब ये बात कह रहे थे तब एनसीपी चीफ शरद पवार उनके बगल में ही बैठे थे। दोनों लीडर मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की मीटिंग से एक दिन पहले 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पवार ने बताया कि बैठक में 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल होंगे। मुंबई शिवसेना और एनसीपी का होम ग्राउंड है। इस बार विपक्षी नेताओं की मेजबानी यही दोनों पार्टियां हैं। इंडिया ने नेता 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग 23 जून को पटना में और दूसरी मीटिंग 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। मीटिंग से पहले सवाल यही है कि एनसीपी चीफ शरद पवार किस खेमे में हैं? उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी तोड़कर अब बीजेपी के साथ हैं। वे लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं। शरद पवार भी कह चुके हैं कि अजीत पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे। इससे पार्टी वर्कर्स तो कंफ्यूज है ही, इंडिया में शामिल पार्टियां भी कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस और शिवसेना भी ये बात कह चुकी है, इसकी वजह शरद पवार ही है। 2 जुलाई को अजीत पवार 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। 17 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की दूसरी बैठक थी। इससे पहले 14, 16 और 17 जुलाई को शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें हुई। बातें होने लगी कि शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है और अजीत पवार उन्हें मना कर रहे हैं। हालांकि 18 जुलाई को शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ बेंगलुरु गए और विपक्ष की बैठक में शामिल हुए। यही विपक्षी गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का नाम मिला था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।